राष्ट्रव्यापी करने का मतलब वो संविधान उठाओ और हर बेटी के बाप हर संगठन लेकर के सड़कों पे निकल जाओ और पूरे देश के एक निर्णायक लड़ाई की तरफ ले जाओ, इसको गृह युद्ध की तरफ मत ले जाओ, क्योंकि राष्ट्र हमारा है। आज सब डरे हुए हैं, सबकी यही गुहार है आज के देश के प्रधानमंत्री से कि जल्द से जल्द इन पहलवानों को न्याय दिया जाए। 7 मई को पूरा हर बेटी के बाप को निर्णय लेना होगा कि अगर इसी तरह रहेगा तो बच्चे कैसे हमारे पढ़ेंगे, कैसे खेल में जाएंगे, कैसे और सरकारी सर्विसों में जाएंगे, कैसे और काम करेंगे, कहाँ सुरक्षित रह गया। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक हैं। भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष मान सिंह और पूरी खाप पंचायत, आज एक तरह से यह धरना किसी एक का नहीं, किसान का नहीं, पहलवान का नहीं, जवान का नहीं, ये पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है। हर बेटी के बाप आज सब डरे हुए हैं, सबकी यही गुहार है आज के देश के प्रधानमंत्री से जल्द इन पहलवानों को न्याय दिया जाए, क्योंकि ये जो अभी दिखाई दे रहा है, कभी होता है कि इनके ऊपर FIR दर्ज हो गया इनके, क्योंकि अब सब जान लिए हैं पीछे जितने भी फर्जी इनकाउंटर वगैरह हुए हैं या किसानों के ऊपर गाड़ियां चला के, अभी तक कोई जेल नहीं गया, किसी को न्याय नहीं मिला, इसलिए न्याय से भरोसा उठ गया है। जब तक उनको यानी न्याय दिखाई नहीं देगा, करेंगे नहीं उसके लिए, तब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और यह धरना प्रदर्शन अब एक का नहीं रहा, किसी जात का नहीं रहा, किसी समाज का नहीं रहा, किसी प्रदेश का नहीं, हर बेटी के बाप का धरना हो चुका। 7 मई को क्या होगा? राकेश शिकायत बोल के गए थे सब आएंगे यहाँ। 7 मई को पूरा हर बेटी के बाप को निर्णय लेना होगा कि अगर इसी तरह रहेगा तो बच्चे कैसे हमारे पढ़ेंगे, कैसे खेल में जाएंगे, कैसे और सरकारी सर्विसों में जाएंगे, कैसे और काम करेंगे, कहाँ सुरक्षित रह गया। अगर पीछे किसी अन्यायी अत्याचारी के साथ जितना हुआ था, किसी को आपने देखा होगा झांसी में, अभी एक बेटी ने कहा था, पहले उसके आदमी को फर्जी इनकाउंटर हो गया था, उसने कहा था कि न्याय नहीं मिला तो मैं फांसी खा जाऊंगी, और अभी देखे हैं फांसी ले लिया उसने, क्या न्याय मिला? न्याय की तो आशा खत्म होती जा रही है, इसलिए अब हर बेटी के बाप निकल रहे हैं, हर संगठन निकल रहे हैं, हर तबके निकल रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कल खाप पंचायत या पूरा देश ये आह्वान कर दे कि इसको राष्ट्रव्यापी करो, और अगर नहीं मानते हैं तो इस राष्ट्रव्यापी करो, राष्ट्रव्यापी करने का मतलब वो संविधान उठाओ और हर बेटी के बाप हर संगठन लेकर के सड़कों पे निकल जाओ और पूरे देश के एक निर्णायक लड़ाई की तरफ ले जाओ, इसको गृह युद्ध की तरफ मत ले जाओ, क्योंकि राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र की अचल संपत्ति हमारी है, बिना संविधान लिए और हाँ तिरंगा झंडा लेकर के बिना राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान किए हुए पूरे भारत में शांति का मार्च कर, क्योंकि जो भी आंदोलन चले हैं, जब भी फैसला आया है, जितना बड़ा संघर्ष हुआ है उतना बड़ा निर्णायक परिणाम हुआ है, बिना कोई नुकसान किए धरना प्रदर्शन लगातार लंबा चलेगा। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान के शासकगण, अनुरोध इन पहलवान बेटियों का स्वीकार करो, राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में जितना बड़ा इनका गोल्ड मेडल विश्व के लेवल में लेके आते हैं, इनके साथ न्याय दिलाने के काम करो, अभी आप लोगों से यही आशा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से धरना प्रदर्शन ख़त्म कराओ और ये लोग भी अपनी तैयारी करें, क्योंकि अभी इनके खेल की तैयारी का समय था मेडल जीतने का, अगर इस तरह करते हुए ख़त्म कर दोगे तो फिर कौन राष्ट्र के लिए झंडा फहराएगा, जो गर्व से फहरा करके पूरे देश में नाम रोशन करते हैं, उनके लिए कौन लड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार ये मांग है, लगातार पहलवानों के समर्थन में आए हुए किसान ये कह रहे हैं कि आप सभी एक हो जाइए और महिला पहलवानों को न्याय दिलवाइए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।